पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे रामगढ़ ताल में जलकुंभी की जाल से पूरा ताल गंदा नजर आ रहा था, जिसको लेकर दो दिन पहले मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने ताल का निरीक्षण किया था और अति शीघ्र जलकुंभी हटाकर ताल के सुंदरीकरण का निर्देश दिया था, जिसके तहत शुक्रवार को गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आशीष कुमार के नेतृत्व में जल निगम की टीम ने ताल पर पहुंचकर जलकुंभी हटाने का काम शुरू किया। गौरतलब है कि रामगढ़ ताल झील पर आने वाले पर्यटक को लुभाने के लिए जहां साउंड और लाइट सिस्टम की व्यवस्था की गई है, वहीं पर लेक व्यू व नौकायान से नौका विहार भी किया जाता है, लेकिन ताल में चलने वाले नाव के लिए जलकुंभी घातक सिद्ध हो रहा था। शुक्रवार को जीडीओ उपाध्यक्ष ने खुद खड़ा होकर ताल में से जलकुंभी निकलवाने का काम किया। जीडीओ उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि ताल के चारों तरफ रैंप बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत जलकुंभी निकालने का काम शुक्रवार से शुरू किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने कहा, रामगढ़ ताल पे जलकुंभी सफाई के लिए लगभग 5 से 6 रैंप बनाए जा रहे हैं और सभी रैंपों के माध्यम से इसकी सफाई की व्यवस्था की जा रही है। जी, सफाई की व्यवस्था के लिए टेंडर भी किया गया है, और जब टेंडर नहीं होता है तब तक हम लोग सफाई करवा रहे हैं।